बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यूडियो से आप बाहर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने चावल 1.5 किलो लिए हैं, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है और 1 चम्मच मैंने धनिया भी शामिल किया है, साबुत धनिया, और ये 2 बादियान के फूल हैं और ये कुछ काली मिर्चें हैं, ये दालचीनी है मेरे ख्याल से 4 अदद हैं, और ये तेज़पात के 3 पत्ते। एक बाउल मैंने मूंग की दाल ली है खिचड़ी के लिए। अब मैंने इनको बॉयल कर लिया है, दाल मूँग और चावलों को मैंने मिक्स करके बॉयल किया है। अब सबसे पहले पतीले मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है, अब मैं प्याज शामिल करूंगी और प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अब मैं दालचीनी शामिल करूंगी। अब मैं बादियान के फूल शामिल करूंगी और काली मिर्च। अब मैं ज़ीरा शामिल करूंगी। अब मैंने चावल इसमें शामिल कर दिए हैं उस मसाले में, और ये ऊपर मैंने कड़ी पत्ता गार्निश कर दिया है। अब इसे दम पे रखूंगी, मैं इसे दम पे रखूंगी। देखें चावल तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने हैं चावल। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करके आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खिचड़ी को रायते के साथ सर्व करें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।